हेलो एवरीवन, आज हम कैलकुलेट करेंगे वन एग्जांपल बेस्ड ऑन सिंकिंग फंड मेथड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली सिंकिंग फंड क्या होता है? जब भी हमारा कोई इक्विपमेंट होता है उसका यूजफुल लाइफ एंड हो जाता है और हमको वापस उसको रीपर्चेज करना है या उसको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हमको पर्टिकुलर अमाउंट हर साल इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ अवर इक्विपमेंट वी कैन रीपर्चेज इट। सो बेसिकली ये मेथड जो है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन एंड ऑल्सो वी आर क्रिएटिंग अ फंड टू रिप्लेस द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो हमारा जो भी डेप्रिसिएशन है वो हमारा जो भी एनुअल सिंकिंग फंड होगा वो प्लस, अगर ये सिंकिंग फंड जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं एट द एंड ऑफ वन ईयर अगर उसको हम बैंक में रखते हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस इंटरेस्ट को भी हमको प्लस करना है। तो सपोज जैसे ये यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए इज एनुअल सिंकिंग फंड, देन बी सी डी दे आर द इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अगर आपने सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट ए आया है तो टोटल डेप्रिसिएशन ए होगा। अभी ये जो भी अमाउंट है अगर आप बैंक में रखोगे और सपोज आपको बी परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन 2A+B होगा। सिमिलरली हर साल हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और हमारा सिंकिंग फंड उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सिंकिंग फंड। ए इज इक्वल टू एफ इंटू आई अपॉन आई वन प्लस आई रेस टू एन माइनस वन, वेर ए इज एनुअल इंस्टॉलमेंट टू बी पेड, मतलब कितना सिंकिंग फंड हमको इकट्ठा करना है। सो ये एनुअल इंस्टॉलमेंट जो हमको इकट्ठा करना पड़ेगा फॉर एवरी मंथ सॉरी एवरी ईयर दैट वी हैव टू कैलकुलेट, मतलब ये हमारा सिंकिंग फंड है। एफ इज फ्यूचर सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बी एक्यूमुलेटेड आफ्टर एन ईयर्स, मतलब अगर एन ईयर्स के बाद आपका जो भी इक्विपमेंट है उसकी यूजफुल लाइफ एंड हो गई है तो कितना अमाउंट हमको टोटल कलेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज फ्यूचर सम ऑफ मनी एंड आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम उसको सिंकिंग फंड को वहाँ पे रखते हैं बैंक में या कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसका अमाउंट। सो वी विल सॉल्व वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैज इनिशियल परचेज प्राइस ऑफ ₹5,000, मतलब 5,000 का कोई मशीनरी है या इक्विपमेंट है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.09 है। द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ फोर ईयर्स, मतलब 4 साल की यूजफुल लाइफ है, उसमें वो 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस उतना उसका स्क्रैप वैल्यू है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन बाय सिंकिंग फंड मेथड एंड वी हैव टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या डेटा अवेलेबल है। सो परचेज प्राइस या इनिशियल कॉस्ट 5,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.09, यूजफुल लाइफ एन इज इक्वल टू 4, एंड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल प्राइस विच इज 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, मतलब 10% ऑफ 5,000, so that is coming as 500. So basically this is 0.01, this is the mistake, it is 0.01 into 5,000, so you will get 500, 10 upon 100 that is 0.01 multiplied by 5,000, so 500, मतलब ये scrap value, मतलब अगर आप 4 साल बाद ये equipment बेचने जाओगे तो आपको 500 rupees मिलेगा। So how much future sum of money we have to accumulate after 4 years? ओरिजिनल कॉस्ट आपका 5,000 है, उसमें से आप जो भी स्क्रैप माइनस करोगे क्योंकि आप बेचोगे तो 500 रुपीज तो मिलने ही वाला है। सो एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स यू हैव टू कलेक्ट 4,500, मीन्स फ्यूचर सम ऑफ मनी टू बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स टू रिप्लेस अवर पर्टिकुलर इक्विपमेंट। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। ए इज इक्वल टू I upon 1 plus I raise 2N minus 1 into future sum of money. So this future sum of money is 4,500. This value means 4 साल के बाद हमको 4,500 चाहिए। I means rate of interest वो 0.09 है। 1 plus I raise 2N. N means 4 years. Useful life. So when you calculate this, you will get 983. मतलब this is the amount of annual sinking fund इन वन ईयर। वन ईयर में हम इतना सिंकिंग फंड कलेक्ट करेंगे। सपोज अभी हम उसको बैंक में रख रहे हैं तो हमको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। सो अभी हमको सिंकिंग फंड का अमाउंट, फ्यूचर अमाउंट हमको पता है कि 983 है। सो नाउ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड दिस फ्यूचर सम ऑफ मनी दैट इज टू बी एक्यूमुलेटेड वो हमको फाइंड आउट करनी है।
सो इन 2 ईयर्स, मतलब दिस फ्यूचर सम ऑफ मनी कितना इकट्ठा होगा वो हमको इस एनुअल सिंकिंग फंड पे से फाइंड आउट करना है। मीन्स 983 जो हमें पता है कि सिंकिंग फंड एक्यूमुलेट हुआ है, सो ये पूरा आपको रिवर्स करके आपको एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड आउट करना है। मीन्स एफ एफ फ्यूचर सम ऑफ मनी वो फाइंड आउट करने के लिए आपको ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस i रेस टू n माइनस 1 अपॉन i करना पड़ेगा। मतलब ये पूरा इक्वेशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा एंड दिस यू विल फाइंड फ्यूचर सम ऑफ मनी। सो 983 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.09 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब 2 ईयर्स में कितना इकट्ठा होगा, तो 2,054 आ रहा है। सिमिलरली 3 ईयर्स में कितना फ्यूचर सम ऑफ मनी इकट्ठा हो जाएगा, अगर ये सिंकिंग फंड हमने रखा है फॉर द पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स एट पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स 3,222, इन 4 ईयर्स, सो हियर जस्ट यू हैव टू चेंज दिस वैल्यूज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सो दिस विल बिकम योर पर्टिकुलर एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सो व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ डेप्रिशिएशन, दिस इज नंबर ऑफ ईयर, देन एक्यूमुलेटेड सिंकिंग फंड एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। जब स्टार्ट होगा ईयर तो हमारा सिंकिंग फंड कुछ भी नहीं, कुछ फंड इकट्ठा नहीं किया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमने फाइंड आउट किया 983, तो स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर में वो 983 बनेगा। और दिस वी हैव ऑब्टेंड कि भाई एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2,054 जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, सो ये स्टार्टिंग में 2,054 बन जाएगा। और फिर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, सो सिमिलरली यू कैन कीप ऑल दिस वैल्यू। नाउ डेप्रिशिएशन इन रिस्पेक्टिव ईयर, मतलब पर्टिकुलर ईयर का क्या है डेप्रिशिएशन, तो आप ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करोगे तो आपको रिस्पेक्टिव ईयर का डेप्रिशिएशन मिल जाएगा। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट दिस फोर्थ कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, यू विल गेट द डेप्रिशिएशन इन रिस्पेक्टिव ईयर। एंड सिमिलरली यू कैन गेट द क्यूमुलेटिव डेप्रिशिएशन, जो यही कॉलम सेम बनेगा क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन ही फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएशन 983, उसमें आप ये ऐड करो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन बनेगा 2,054, इट इज सिमिलर टू दिस। अगेन यू कैन ऐड दिस एंड यू विल फाइंड दिस वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, देन अगेन यू विल ऐड दिस एंड यू कैन फाइंड आउट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, सो इट इज 4,500। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द बुक वैल्यू, सो बुक वैल्यू तो हमेशा सेम रहता है, ओरिजिनल कॉस्ट, एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज गिवन एज 5,000 एंड माइनस क्यूमुलेटिव डेप्रिशिएशन। सो दिस क्यूमुलेटिव डेप्रिशिएशन वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम 5,000, सो 5,000 माइनस 983, सो दिस वैल्यू 5,000 माइनस 2,054, यू विल गेट दिस। सो दिस वे एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर वी विल गेट दिस वैल्यू ऑफ 500 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू। सो एट द एंड यू हैव टू चेक दैट योर फाइनल बुक वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू योर स्क्रैप वैल्यू। थैंक यू।